बर्मा में उड़द के दाम में गिरावट देखने को मिली है। दरअसल स्टॉक की उपलब्धता बढ़ी है। बर्मा में उड़द की उपलब्धता बढ़ने के कारण बड़े स्टॉक की बिकवाली बढ़ जाने से दामों में कमजोरी देखने को मिली और इसका असर घरेलू बाजारों पर साफ दिखाई दिया। व्यापारियों का कहना है कि रुपए में मजबूती के कारण भी उड़द की आयात लागत भी कुछ कमजोर हुई है। इससे घरेलू बाजार में उड़द की कीमतों में गिरावट के आसार नजर आने लगे हैं। मंडियों में देसी उड़द की आवक काफी सुस्त है, जबकि आयातित उड़द से ज्यादा अच्छी क्वालिटी देसी उड़द की देखने को मिल रही है। देश में उड़द की जो भी आवक अभी तक हुई है वो अधिकतर खपत में जा चुकी है। वहीं पिछले कुछ वर्षों से नुकसान होने से अधिकतर स्टॉकिस्ट इस साल खपत से अधिक खरीदी से दूर बने हुए हैं। बर्मा में उड़द का स्टॉक बहुत अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी बिकवाली का दबाव बना हुआ है, जिससे दाम लगातार टूट रहे हैं। इंदौर में उड़द बाजार में अनिश्चितता को देखते हुए अभी बाजार में सीमित कारोबार रहने की उम्मीद की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इंदौर मंडी में उड़द बेस्ट 7100 से 7300, मीडियम 5500 से 6500, हल्की उड़द 3000 से 400 4000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकती दिखाई दी है। उड़द दाल में उठाव कम होने से 100 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।